आज का डेट में एक फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल आसान कर दिया गया है। आप सिर्फ आधार कार्ड से ही एक फ्रेश पासपोर्ट बनवाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। पासपोर्ट आप आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बर्थ प्रूफ के लिए यूज कर सकते हो। और अगर आप किसी दूसरा कंट्री विजिट करना चाहते हो तो इस केस में पासपोर्ट आपके पास होना मैंडेटरी है। ऑनलाइन एक फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको 1500 रुपीज फी पे करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में एक फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आप सिर्फ आधार कार्ड से अप्लाई कर सकते हो। साथ में अगर आप क्लास 10 या उससे ज्यादा पढ़ाई किए हो तो इस केस में आपको नॉन ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। और अगर आप क्लास 10 या उससे कम पढ़ाई किए हो तो आपको ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। आप बात करते हैं एक फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करके अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अपॉइंटमेंट में दिया हुआ डेट और टाइम में आपको आपका पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। पासपोर्ट ऑफिस विजिट करके आपको आपका एप्लीकेशन का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन भेज दिया जाएगा। पुलिस स्टेशन से आपका साथ कांटेक्ट किया जाएगा और आपका एप्लीकेशन का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एप्लीकेशन वापस पासपोर्ट ऑफिस भेज दिया जाएगा। आपका पासपोर्ट बन जाएगा और आपका पासपोर्ट 10 या 15 डेज का अंदर बाय पोस्ट आपका एड्रेस भेज दिया जाएगा। सो आज का इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आधार कार्ड से एक फ्रेश पासपोर्ट के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एक इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना और सर्च बार में www.passportindia.gov.in लिख के सर्च करना, और इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इसी तरीके का एक मैसेज दिखाई देगा, आप यहाँ क्रॉस में क्लिक करके इस मैसेज को क्लोज कर लेना। इसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट सेवा का होम पेज ओपन हो जाएगा और पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे नीचे आ जाना। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पासपोर्ट ऑफिस, आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आप आपका पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप आपका नेम डाल देना और नीचे आप आपका सरनेम डाल देना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना। इसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे आप आपका ईमेल आईडी डाल देना। इसके बाद डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, अगर आप आपका ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करना और चेक अवेलेबिलिटी में क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन आईडी इज अवेलेबल, अगर आपका ईमेल आईडी लॉगिन आईडी में अवेलेबल होता है तो आप यहाँ पे आपका ईमेल आईडी लॉगिन आईडी बना सकते हो। अगर आपका ईमेल आईडी लॉगिन आईडी में अवेलेबल नहीं होता है तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करके आप आपके हिसाब से एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद नीचे पासवर्ड, यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड क्रिएट किए हो वही पासवर्ड यहाँ पे दोबारा डाल देना। इसके बाद हिंट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके आंसर देना पड़ेगा। अगर आप कभी आपका लॉगिन आईडी भूल जाते हो तो आप हिंट क्वेश्चन का आंसर से आप आपका लॉगिन आईडी रिकवर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से एक हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप नीचे हिंट आंसर डाल देना। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, आप इस कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे कम्प्लीट फॉर्म फिल करने के बाद आप नीचे रजिस्टर में क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन दी पासपोर्ट सेवा पोर्टल, टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक दी लिंक इन दी ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करने के लिए आपका ईमेल आईडी में एक लिंक भेज दिया जाएगा, एक ईमेल भेज दिया जाएगा। उस ईमेल में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आपको आपका अकाउंट एक्टिवेट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ईमेल आईडी में एक मेल आ चुका है। आपका ईमेल आईडी में भी इसी तरीके से एक मेल भेज दिया जाएगा। आपको मेल ओपन कर लेना है और नीचे आ जाना, और यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक करना, यहाँ पे आप आपका यूजर आईडी डाल देना। यूजर आईडी डालने के बाद सबमिट में क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड, यहाँ पे आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और अभी आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आप यहाँ नीचे क्लिक हियर टू लॉगिन में क्लिक करना। यहाँ पे लॉगिन आईडी, यहाँ पे आप आपका लॉगिन आईडी डाल देना। लॉगिन आईडी डालने के बाद आप नीचे कंटिन्यू में क्लिक करना। इसके बाद पासवर्ड, यहाँ पे आप आपका पासवर्ड डाल देना। इसके बाद इस कैप्चा को सेम टू सेम नीचे डाल देना। इसके बाद नीचे लॉगिन में क्लिक करना। इसके बाद ही आप आपका पासपोर्ट सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको इसी तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई फॉर फ्रेश रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट। आप यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे इसी तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यू कैन फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, और नीचे क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे स्टेट, आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद अप्लाइंग फॉर, आप यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट सिलेक्ट करना और नीचे टाइप ऑफ एप्लीकेशन आप यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट करना। अगर आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ तत्काल में सिलेक्ट करके तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ आपको नॉर्मल पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, यहाँ पे 36 पेजेस और 60 पेजेस दिया गया है। आपको कितना पेजेस का पासपोर्ट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नीचे नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप आपका नेम डाल देना, नीचे आप आपका सरनेम
साइन डाल देना। इसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद हैवी यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, अगर आपको कोई दूसरा नाम से जाना जाता है तो आप यस सिलेक्ट करना, नहीं तो नो सिलेक्ट करना। इसके बाद हैवी यू एवर चेंज्ड योर नेम, अगर आपने आपका नेम को भी चेंज किया हो तो यस सिलेक्ट करना, नहीं तो नो सिलेक्ट करना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना। इसके बाद इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आपका बर्थ प्लेस इंडिया का बाहर है तो यस सिलेक्ट करना, नहीं तो नो सिलेक्ट करना। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप आपका प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना। इसके बाद स्टेट, आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आप आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आप आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ से आप आपका मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, अगर आप बाई बर्थ इंडियन है तो आप यहाँ पे बर्थ सिलेक्ट करना। इसके बाद पैन, अगर आपका पैन कार्ड है तो यहाँ पे आप आपका पैन कार्ड का नंबर डाल देना। इसके बाद वोटर आईडी, अगर आपका वोटर आईडी है तो यहाँ पे आप आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल देना। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आप आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपका फैमिली का कोई भी मेंबर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप यस सिलेक्ट करना, नहीं तो नो सिलेक्ट करना। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ से आप आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपका एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप 10th पास नहीं हो, और यहाँ पे आपका एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप क्लास 10th फेल होते हो तो आपको ECR पासपोर्ट इशू किया जाएगा, और अगर आप क्लास 10 या उससे ज्यादा पढ़ाई किए हो तो आपको नॉन ECR पासपोर्ट इशू किया जाएगा। ECR पासपोर्ट और नॉन ECR पासपोर्ट क्या है, इस पर मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। और नॉन ECR के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देखने के लिए आप यहाँ डाउनलोड रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR में क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, अगर आप क्लास 10 या उससे ज्यादा पढ़ाई किए हो तो आप इसको ऐसे यस सिलेक्ट रहने देना। इसके बाद विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल देना। इसके बाद आधार नंबर, यहाँ पे आप आपका आधार कार्ड का नंबर डाल देना। इसके बाद यहाँ नीचे आपको एक कंसेंट देना है, आप इस बॉक्स को चेक कर लेना और नीचे नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद फैमिली डिटेल्स, यहाँ पे फादर लीगल गार्जियंस गिवन नेम, यहाँ पे आप आपका फादर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डाल देना। नीचे सर नेम, यहाँ पे सर नेम डाल देना। इसके बाद मदर्स गिवन नेम, यहाँ पे आप आपका मदर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डाल देना। इसके बाद अगर आपका फादर नहीं है, आपका लीगल गार्जियन है, तो यहाँ पे आप आपका लीगल गार्जियन का नेम डाल देना। तो यहाँ पे पेरेंट डिटेल्स डालने के बाद आप नीचे नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे इसी तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, यहाँ पे आप आपका हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम डाल देना। नीचे विलेज टाउन सिटी, यहाँ पे आप आपका विलेज टाउन या सिटी डाल देना। इसके बाद नीचे स्टेट, यहाँ पे आपका स्टेट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट भी ऑटो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद पुलिस स्टेशन, आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आपका पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद पिन कोड, यहाँ पे आप आपका पिन कोड डाल देना। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर डाल देना। इसके बाद टेलीफोन नंबर, अगर आपका टेलीफोन नंबर है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे आप आपका ईमेल आईडी डाल देना। इसके बाद इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, आप यहाँ पे यस कर देना। इसके बाद नीचे इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे यस कर देना। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे ओके में क्लिक करना। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, आप यहाँ पे आपका किसी भी फैमिली मेंबर का नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल डालने के बाद आप नीचे नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर हेल्ड होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करना। इसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर आपका पास कोई और भी पासपोर्ट है तो आप डिटेल्स अवेलेबल सिलेक्ट करना, नहीं तो नीचे डिटेल्स नॉट अवेलेबल सिलेक्ट करना। इसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, अगर आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और इशू नहीं हुआ है तो आप यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। इसके बाद आप नीचे सेव माई डिटेल्स में क्लिक करना। तो यहाँ तक आपने जितना भी डिटेल्स फिल किए हो आपका डिटेल सेव हो जाएगा। इसके बाद नीचे नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आधार डिटेल्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इस सेक्शन को ठीक से पढ़ लेना और यहाँ से क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट कर लेना। यहाँ आधार डिटेल्स का सेक्शन में आप सभी क्वेश्चन का आंसर नो सिलेक्ट कर देना। इसके बाद सेव माई डिटेल्स में क्लिक करना, आपका डिटेल सेव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट का प्रीव्यू दिखाई देगा, आपका पासपोर्ट बनने के बाद आपको पासपोर्ट इसी तरीके से दिखाई देगा। आप यहाँ पे नीचे आ जाना और नीचे नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद डिक्लेरेशन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ, आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद पासपोर्ट सेवा SMS सर्विस, अगर आप पासपोर्ट सेवा का SMS सर्विस लेना चाहते हो तो आप इस बॉक्स को चेक कर लेना। SMS सर्विस के लिए आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज पे करना पड़ेगा, और ये 50 रुपीज आप जो पासपोर्ट ऑफिस विजिट करेंगे उस टाइम आपको पे करना पड़ेगा।
इसके बाद नीचे आ जाना और यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे आप प्लेस डाल देना। इसके बाद नीचे आपको कंसेंट देना है, आप इस बॉक्स को चेक कर लेना। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट फॉर्म फिल हो चुका है। अभी आप यहाँ सेव माई डिटेल्स में क्लिक करके आप आपका डिटेल सेव कर लेना। इसके बाद नीचे आ जाना और अगर आप आपका फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट डिटेल्स दिखाई देगा। अगर आप आपका एप्लीकेशन डिटेल्स प्रिंट आउट करना चाहते हो तो आप यहाँ नीचे प्रिंट में क्लिक करके आप आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट कर सकते हो। प्रीव्यू देखने के बाद आप फिर दोबारा इस पेज पर आ जाना और कंप्लीट फॉर्म फिल होने के बाद आप नीचे सबमिट फॉर्म में क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे इसी तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। आप यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में क्लिक करना। अभी आपको पेमेंट करना है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का नीचे इस बॉक्स को चेक कर लेना और नीचे नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको इसी तरीके से पासपोर्ट ऑफिस का नेम और यहाँ राइट साइड में डेट दिखाई देगा। कौन सा पासपोर्ट ऑफिस में कौन सा डेट पे अपॉइंटमेंट अवेलेबल है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे लोकेशन आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ लिस्ट से आप आपका पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेना। कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना। इसके बाद नीचे नेक्स्ट में क्लिक करना। यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाई देगा, आपको कितना अमाउंट पे करना है। आप यहाँ पे एंड बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ ओके में क्लिक करना। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे आधार बैंक सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ से बैंक सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नीचे मेक पेमेंट में क्लिक करना। अगर आप एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी और नीचे एमपिन डाल देना। इसके बाद नीचे लॉगिन में क्लिक करना। आपका बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद आप नीचे कंफर्म में क्लिक करना। यहाँ पे आपका पेमेंट प्रोसेस होगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुली पे हो जाएगा। इसके बाद आप वापस होम पेज पर आ जाना, यहाँ होम में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशंस में क्लिक करना। यहाँ से आप आपका एप्लीकेशन फाइल सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे व्यू प्रिंट सबमिटेड फॉर्म में क्लिक करके आप आपका सबमिट किया हुआ फॉर्म देख सकते हो और प्रिंट आउट भी कर सकते हो। और नीचे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट में क्लिक करके आप आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट प्रिंट आउट कर सकते हो। और यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट में पेमेंट स्टेटस आपको नॉट पेड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सोचने का कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे वापस ऊपर एप्लीकेंट होम में आ जाना। इसके बाद नीचे व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशंस में क्लिक करना। यहाँ से आप आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेना और नीचे पे एंड अपॉइंटमेंट में क्लिक करना। इसके बाद नीचे ट्रैक पेमेंट स्टेटस में क्लिक करना। यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखाई देगा और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हियर टू रीवेरीफाई द पेमेंट। आप यहाँ पे क्लिक हियर टू रीवेरीफाई द पेमेंट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिखाई देगा। तो यहाँ तक प्रोसेसिंग करने के बाद आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपका पेमेंट भी पे हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको फिर दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले जो अपॉइंटमेंट बुक किया था वो बुक नहीं हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पे फिर दोबारा आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पे फिर दोबारा व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन में क्लिक करना। यहाँ से आप आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेना और नीचे पे एंड अपॉइंटमेंट में क्लिक करना। नीचे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में क्लिक करना। आप यहाँ नीचे नेक्स्ट में क्लिक करना। यहाँ पे आपको पासपोर्ट सेंटर का अवेलेबिलिटी दिखाई देगा। आप यहाँ से आपका लोकेशन यानी आपका पासपोर्ट सेंटर सिलेक्ट कर लेना और इस कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना। इसके बाद नीचे नेक्स्ट में क्लिक करना। यहाँ पे आपको अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट डेट दिखाई देगा। अगर आप इसी डेट का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर इज, यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट नंबर भी मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए आप यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट में क्लिक करना। यहाँ से आप एप्लीकेशन रिसिप्ट प्रिंट आउट कर सकते हो और आप अपना डिवाइस में सेव भी कर सकते हो। अपॉइंटमेंट एसएमएस पाने के लिए आप यहाँ गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस में क्लिक करना। गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस में क्लिक करने से अपॉइंटमेंट डिटेल्स आपका मोबाइल में एसएमएस के थ्रू भेज दिया जाएगा। सो आप इसी तरीके से पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सो आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। यहाँ तक आधार कार्ड से एक फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाया हूँ। आई होप आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।